फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन फार्मूला के बारे में जानेंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैथमेटिक्स के क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कुछ बात कर रहे हैं बेसिक चीज़ों की, जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस फार्मूला को पहले से ही जानते होंगे और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को भी समझते होंगे। लेकिन आज की क्लास उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका बेस बिल्कुल कमज़ोर है और जिनकी डिफरेंशिएशन उनको बिल्कुल नहीं आता। तो अगर हम आपसे बात करें कि डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि M1 का कोई भी एक यूनिट ऐसा होगा जिसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज़ ना होता हो। इसलिए मैं ये क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए। तो हम डिफरेंशिएशन की बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा भी आप इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अवकलन। जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूला की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है और किस तरीके से होता है, कहाँ पर हमें चीज़ें ज़रूरी है समझना, उस चीज़ों की हम बात कर लें। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशिएशन हमारे पास दो चीज़ों को बताता है। एक तो उसमें आपको वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट की, और एक वैल्यू मिलेगी आपको उसके अंदर वेरिएबल देखने को मिलेगा। जब भी हमारे पास डिफरेंशिएशन अगर आता है तो हमें उसके अंदर कांस्टेंट मिलता है और वेरिएबल मिलता है। अगर हम थोड़ा बात कर लें कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, मतलब जो चेंज ना हो, और वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए। फिर से देख लेते हैं। सर, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल का मतलब होता है जो वैल्यू चेंज हो। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे 2, 3, 5, 5, ये वैल्यू कभी भी चेंज होती है क्या? 2 तो 2 ही रहेगा, 3 3 रहेगा, 5 5 रहेगा, पाई पाई ही रहेगा, है ना। और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, एक्स्ट्रा। ये वैल्यू आपको चेंज मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये वैल्यू आपको क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें क्लियर है कि सर, डिफरेंशिएशन में आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी मिलती है और वेरिएबल भी मिलता है। वेरिएबल जो वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कहलाते हैं, कांस्टेंट जो वैल्यू चेंज हो जाती है वो कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दोनों का मिश्रण मिलकर, इन दोनों का मिश्रण मिलकर या दोनों को जोड़कर क्या बनता है? इक्वेशन बनती है, इक्वेशन बनती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है समीकरण बनता है। सर, सीधी सी बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर से जा रही चीज़ें कि इक्वेशन कैसे बन जाएगी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलकर, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्स स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 2x है और प्लस 5 है। इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की वैल्यू देखने को मिल रही है। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे हो गई, है ना, तो इक्वेशन आपको पता चल गई कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें आप ये वैल्यू क्या है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोल देंगे? कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं हो रही है। 5 तो 5 ही रहेगा, इसका मतलब ये क्या है? ये है कांस्टेंट है। और ये जो वैल्यू दिख रही है आपको एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे वेरिएबल,
अब ये तो चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन सर क्या ये टू क्या है? टू तो आपको पता है ये भी कांस्टेंट है, लेकिन मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, अगर जिसका बेस क्लियर है वो तो ठीक है, जिसका नहीं है वो यहाँ पर समझ ले कि टू तो कांस्टेंट हो गया और एक्स वेरिएबल हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो टू एक्स है इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको भी हम वेरिएबल ही कहेंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अगर इस एक्स के साथ में कोई भी वैल्यू अगर आपको मिल रही है, एक्स तो वेरिएबल है ही, टू कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो एक्स के साथ में है, वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। ये वैल्यू भी क्या होगी? अगर इसके सामने मैं एग्जांपल के लिए टू लिख देता हूँ, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? वेरिएबल ही कहलाएगा, ठीक है? और इसका मतलब ये क्या है? सामने टू है, इसका मतलब क्या है? ये कॉफिशियंट है किसका? एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस टू को भी हम क्या बोलेंगे? कॉफिशियंट ऑफ एक्स। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम समझ, जिनको चीज़ें क्लियर है वो तो समझ लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं समझ पाएंगे। अब यही चीज़ हमें समस्या आती है, इसमें कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सर, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि जब भी डिफरेंशिएशन आता है तो हम उसे क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स, इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डी बाई डी का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया, और यहाँ पर एक्स क्या शो कर रहा है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक तो बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी बाई डी वाई लिखा रहे हैं तो सर इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और अगर डी बाई डी जेड रहा तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ में आती भी है, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलस की शुरुआत करते हैं तो डिफरेंशिएशन अगर हमें नहीं आ रहा है तो मैथमेटिक्स भी बिल्कुल नहीं आएगा। M1 में कोई भी यूनिट ऐसी नहीं होगी जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं हो रहा हो, डिफरेंशिएशन का यूज़ ना हो रहा हो, ऐसा कोई भी यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम रीडिंग करने की बात करते हैं कि फंक्शन की रीडिंग कैसे की जाती है, कि फंक्शन को रीड कैसे किया जाता है। तो फंक्शन को रीडिंग, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, रीडिंग ऑफ फंक्शन, रीडिंग ऑफ फंक्शन। रीडिंग ऑफ फंक्शन मीन्स कि अगर आपके पास में डी बाई डी एक्स और यहाँ पर दिया रहा साइन एक्स, इसको कैसे रीड करेंगे आप? इसको क्या बोलोगे कि यहाँ पर एक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये किसका फंक्शन है? एफ एक्स का फंक्शन है सर। अगर डी बाई डी वाई है और यहाँ साइन वाई दिख गया, ये क्या है? यहाँ पर वाई है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? वाई, तो ये भी आपका किसका फंक्शन हो गया? वाई का फंक्शन हो गया सर। अगर यहाँ डी बाई डी जेड है और यहाँ साइन जेड है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? जेड दिखाई दे रहा है, तो ये किसका फंक्शन हो गया? जेड का हो गया। अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आ जाती है डी बाई डी एक्स, या इसको आप अभी डी एक्स मत समझो, अभी आप इसको सिंपल ये चीज़ समझ लो कि ये साइन एक्स है, साइन वाई है और ये साइन जेड है, इसका मतलब ये है कि ये किसका फंक्शन है?
इसमें x है तो ये x का फंक्शन है, इसमें y है तो ये y का फंक्शन है, और इसमें z है तो z का फंक्शन है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसमें हमारे x ही है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी किसका फंक्शन है, x का है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, तो ये किस किस का फंक्शन है, f x और y का है। अगर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया तो सर ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। इस तरीके से फंक्शन को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी पुरानी रिवाइज हो रही है, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग इस वीडियो को एक बार में नहीं समझेंगे तो दो तीन बार देखिएगा। जब तक हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हम डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन सही नहीं बना पाएंगे, इसीलिए ये ज़रूरी है। आज हम भले शुरुआत कर रहे हो बेसिक से, जिसके लिए कुछ लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा क्योंकि उन्हें बनता है, और जिनके लिए नहीं बनता उसके लिए सारी चीज़ें कठिन है। अगर हम आगे बढ़े तो कुछ चीज़ें मैं आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें आप अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स, और ये किसका फंक्शन है, साइन एक्स का है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कोई डी वाई डी वाई है, साइन वाई है, तो ये भी जिसका हमें करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर डी बाई डी एक्स है और ये वाई दिया हुआ है, तो इसके वैल्यू और इसके वैल्यू में अंतर आ गया, तो ये क्या है, वाई है, साइन वाई का, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और कॉन्स्टेंट का आपका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, यानी 2, 3, 5, पाई इन सब का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ये कभी भी जीरो आएगा, गोला जीरो आएगा। तो ये भी आपका क्या होगा कि ये जिसका डिफरेंशिएशन करना है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा डिफरेंशिएशन में जीरो आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, आगे हम बढ़ते हैं तो आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपका डिफरेंशिएशन सारा क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें आगे तो मेरे पास में अगर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप देखोगे कि ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आपको फंक्शन में दिख रही है जिसके रिस्पेक्ट में करना है, उस वैल्यू को आपको लेना है, और बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, उसको आप एक साथ अलग से लिख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझनी थी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आज। अब कुछ बेसिक फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और जब भी उन फार्मूले के बिना डिफरेंशिएशन हमारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैं बात कर लेता हूँ डी बाई डी एक्स, अगर हमें एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। इसके बाद अगर हम डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। आगे हम डी बाई डी एक्स साइन एक्स की बात करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखें तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। आगे हम बात करें तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अगर हम निकालें तो वन बाई एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अगर हम करें तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अगर हम करें तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी फार्मूले यूज़ होंगे,
आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से पहुंचा दूंगा, तो आप उन फार्मूलों को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा, और जो भी एप्लीकेशंस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपका उस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ महसूस नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।